नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे गिम प्रत्यय। तो गिम प्रत्यय स्त्रीलिंग का प्रत्यय है, मतलब पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाना, इसके लिए हम गिम प्रत्यय यूज करते हैं। वैसे एक टॉप प्रत्यय है जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गिम प्रत्ययों से कैसे शब्द बनाते हैं और एंड में हम सीखेंगे कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ हमने कुछ प्रत्यय दिए हैं, इसका मतलब है इन प्रत्ययों वाले शब्दों के एंड में, अंत में गिम प्रत्यय होता है। आपको डरने कोई बात नहीं, एग्जाम में बहुत इजी होता है, आपको सिर्फ गिम प्रत्यय उसको जोड़ना होता है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। ये सिर्फ आपको समझने के लिए कि गिम प्रत्यय कहाँ का होता है। ये आपको नहीं पता चला तो भी कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, जैसे हम मतुब का एग्जाम्पल देते हैं, ओके, जैसे एग्जाम्पल, जैसे गुणवत्त ऐसा शब्द है, गुणवत्त। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूल शब्द बनाएंगे, मतलब गिप से मूल बनाएंगे, उसके बाद उसकी वाक्य रचना भी समझ लेंगे, मतलब एग्जाम में कैसे आता है वो भी, मतलब आपको एक आसान हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में हमें क्या करना है एग्जाम में। तो गुणवत्त, अब ये मतुब का है, ओके, आपको पता चले या ना चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में कैसे आता है, गुणवत्त प्लस गिन, अब ये मतुब का है, ओके, मगर आपको उसकी जरूरत नहीं जानने की, ऐसा आएगा आपको गुणवत्त प्लस गिन, और अभी इसे आपको जोड़ना है, करना है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले गिप का क्या होता है, ई, दीर्घ ई, मतलब कहने के लिए गिप, मगर जब हम उसे किसी शब्द को जोड़ेंगे तो हमें दीर्घ ई जोड़ना है। तो ऐसे गुणवत्त प्लस ई, तो हलंत है, तो प्लस ई क्या होगा, बड़ी ई, ओके, ती, इस तरह से, तो क्या बन जाएगा, गुणवती, इस तरह से। अब ये मूल हो गया, तो गिप प्रत्यय जो है वो नदी शब्द की तरह चलेगा, ओके, जिस शब्द के बाद गिप लगेगा तो नदी की तरह चलेगा, नदी शब्द, नदी, नद्यो, नद्यो, उस तरह से गुणवती, गुणवत्यो, गुणवत्य, इस तरह से। दूसरा उदाहरण मतुब का एक लेते हैं, जैसे जैसे मैं शक्ति मत लेता हूं, शक्ति मत, शक्ति मत प्लस गिप, तो कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है, क्या करना है आपको, शक्ति मत प्लस ई, शक्ति मत प्लस ई, गिप कहने के लिए गिप, मगर जब जोड़ोगे तो ई जोड़ना है। एग्जाम में आपको यदि पूछा जाता है कि गुणवती इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आपको गिप बताना है, ये ई प्रत्यय है ऐसा नहीं बताना है, ये ध्यान में रखना है, गिप और प हलंत ये सब ध्यान में रखना है, और यहाँ बड़ी ई है ये भी ध्यान में रखना है। तो शक्ति मत प्लस ई सिर्फ जोड़ना है, इसमें कुछ करना ही नहीं आपको, तो शक्ति मती, तो इस तरह से हमने एक मतुब का एग्जांपल देख लिया, दो देख लिए, उसके बाद शत्रु और हरे का एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, उसके बाद हम एक शत्रु का उदाहरण समझ लेते हैं। वैसे शत्रु के एग्जाम्पल आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ओके, फिर भी हम समझ लेते हैं। जैसे आपको यहाँ दिया जाएगा जय गच्छत, ये शत्रु का रूप है, तो आपको उसकी कोई जरूरत नहीं कि ये शत्रु का रूप है या नहीं है, यदि पता है तो थोड़ा सा फायदा होता है। जैसे शत्रु प्लस गिप, तो सेम नियम कैसे करेंगे, गच्छत प्लस ई, ओके, दीर्घ ई ये ध्यान में रखना है, बाद में जोड़ देंगे, गच्छति ऐसे बनेगा, बड़ी ई बनेगा। और यहाँ एक और एक नियम है जो शत्रु प्रत्यय का नियम है, कि जब भी आप गिप जोड़ोगे शत्रु प्रत्यय को, तो वहां आपको न जोड़ना है, मतलब गच्छन्ति ऐसे होगा और नदी की तरह चलेगा, गच्छन्ति, गच्छन्त्यो, गच्छन्त्यः, नदी, नद्यो, नद्यः, उसी तरह से चलेगा। सबसे पहले हम सिर्फ रूप बनाएंगे, उसके बाद वाक्य रचना भी, ओके, शत्रु के ज्यादा एग्जाम्पल आपको नहीं पूछे जाते, नहीं मतलब पूछे ही नहीं जाते है, ओके, मगर फिर भी ध्यान में रखना, यदि शत्रु का रूप है तो आप पहचान सकते हो गच्छत, जैसे धावत, तो इस तरह से आपको पहचान लेना है कि शत्रु का, धावत, पठत, हसत, और फिर उसे जैसे गच्छन्ति हुआ तो धावंती, हसंती, गच्छन्ति, कैसे सिंपल है, ओके। यदि गिप लगाकर आपको प्रत्यय बनाना है तो सिंपल है, आप क्या करो, क्रियापद का प्रथम पुरुष बहुवचन ले लो, मतलब गच्छन्ति ले लो, ऐसे गच्छन्ति लिया और उसे बड़ी कर दो सिर्फ गच्छन्ति, ओके,
गच्छति गच्छत गच्छन्ति, तो सिर्फ बड़ी कर देना है, गच्छन्ति ऐसे बड़ी कर दो। ओके, उसी तरह से पठन्ति हसन्ति वदन्ति लिखन्ति, कितना सिंपल शत्रु का भी। ओके, इस तरह से। उसके बाद एक तौतु, तो तौतु का कैसे करेंगे, बहुत ही आसान। जैसे तौतु का मैं रूप लिखता हूं, यहां पठितवत ऐसे लिखा, पठितवत लिखा, पठितवत प्लस गिम, आपको एग्जाम में इसी तरह से आएगा। ओके, पठितवत प्लस गिम, तो उसे आपको क्या करना है, सिंपल है, यहां ई बचेगा। ओके, और यहां क्या रहेगा, पठितवत पठितवत, और बाद में से जोड़ देंगे त प्लस ई टी, पठितवती पठितवती, इस तरह से। तौतु का इसी तरह से है। और एक एग्जांपल, जैसे लिखितवत प्लस गिप, तो इसका क्या होगा, लिखितवत प्लस गिप, तो जोड़ देंगे सिर्फ। ओके, लिखितवती, तो इस तरह से, तो इस तरह से आपको ये करना है। अभी रू का एग्जांपल समझ लेते हैं। तो रू का एग्जांपल यहां मैं लिखता हूं, जैसे कर्तृ, कर्तृ प्लस गिप, तो एग्जाम में आपको इस तरह से आएगा, कर्तृ प्लस गिप, तो उसे आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ना है, सिंपल, गिप का क्या बन जाता है, ई बन जाता है। जैसे यहां लिखता हूं मैं कर्तृ प्लस ई दीर्घ, ये ध्यान में रखना है। अभी यहां रू के सामने क्या है, स्वर है, तो ये यण संधि, यहां कौन सी संधि होती है, यण संधि, तो यण संधि क्या है, रु को क्या बन जाता है, र बन जाता है, तो इस रु को बनेगा र, मतलब ये रु हट जाएगा। ओके, ये ऐसा रु हो, इस रु को बनेगा र बन गया, इस तरह से। तो क्या बचेगा फिर, अभी कर्त, कर्त प्लस र प्लस ई। ओके, तो त अनंत है, उसके ऊपर जो रोज जैसा है वैसे ही रखना है, उसे कुछ करना नहीं है, बस हमने रू की जगह पर र किया है। यहां और एक, यदि त प्लस र है, त प्लस र दोनों यदि अनंत है, ओके, बाद में स्वरूप चलेगा, मगर त यदि अनंत है उसके बाद यदि र है, तो दोनों इस तरह से बन जाते हैं त्र। ओके, तो ये हरंत है, और हरंत त त्र, और उसमें ई जुड़ जाएगा तो त्रि बन जाएगा। ओके, त्र प्लस ई त्रि, तो वही हमें यहां करना है। तो कैसे बनेगा, कर्तृ। ओके, ये जो र है और ऊपर जैसा है वैसा, उसे कुछ हटाना नहीं है, वो जैसा है वैसे रखना है, तो कर्तृ इस तरह से बन जाता है। दूसरा एक उदाहरण, विधातृ प्लस गिप, विधातृ मतलब ब्रह्मदेव, तो विधातृ रू, रू के सामने गिप है, तो कैसे होगा, विधा, देखो अभी हम अलग अलग कर रहे हैं, विधात प्लस रू, समझने के लिए अलग किया है, तो हमें जो रू है वो अलग, तो हलंत किया है, और बाद में ई लिख देते हैं डायरेक्टली। ओके, रू के सामने ई मतलब स्वर है, तो रू को बन जाएगा र, मतलब ये रू हट गया है। ओके, र इस तरह से, र हलंत है, और बाद में विधात प्लस र प्लस गिप, बाद में हम इसे जोड़ देंगे त प्लस र, त्र बन जाता है, और ई, ये जो ई है, ओके, इसी को जोड़ देंगे तो विधातृ ऐसे बन जाएगा, विधातृ। ओके, अभी विधातृ यहां ऊपर कुछ रफार नहीं था, इसलिए यहां भी नहीं दिया, ये ध्यान में रखना है। यदि ऊपर रफार है मतलब र है, तो यहां भी हम दे सकते थे, ओके, मगर वो नहीं है तो हमने नहीं दिया है, इस तरह का ध्यान रखना है। ओके, तो इस तरह से हमने रु का भी समझ लिया, अभी न का समझ लेते हैं। तो उसके लिए यहां मैं लिखता हूं मालिन, मालिन प्लस गिम। ओके, न एंड में है, तो कैसे बनेगा आप बता सकते हो, अभी आपकी भी प्रैक्टिस हो चुकी है, मालिन प्लस ई, और बाद में जोड़ देंगे न प्लस ई नी, तो क्या बन जाएगा, मालिनी, यहां बड़ी लिखना है, इतना ध्यान रखना, मालिनी। उसके बाद एक दूसरा उदाहरण, मनोहारिन प्लस गिप, तो यहां भी कैसे होगा, आपको सेम फॉलो करना है, सेम रूल फॉलो करना है, तो यहां हम इस तरह से लिखेंगे मनोहारिन प्लस ई। ओके, तो इस तरह से बाद में जोड़ देंगे न प्लस ई नी बन जाएगा, मनोहारिन
हरिणी। तो आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ न है और हमने न क्यों किया, तो ये न तो संधि है जिस पर हमने एक वीडियो बनाया है। न तो संधि का मतलब इस न को न कब होता है उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया। मगर मैं एक सिंपल अभी बता देता हूं, यदि न के पहले यदि र है, ओके सिंपल, ओके आप यदि वो वीडियो देखोगे तो उसमें सब डिटेल में दिया है। मगर न के पहले यदि र है तो उस न को न बन जाता है बाद में यदि स्वर है तो। कोई भी स्वर चाहिए, जैसे देखो यहाँ न, यहाँ इस न को न नहीं बनाए क्योंकि न के बाद कोई भी स्वर नहीं है। मगर जब वो स्वर जुड़ गया तो न के बाद एक स्वर आ गया है, इसलिए न को न बन गया है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप उसका संधि में जाकर वो वीडियो देख लीजिए, न तो संधि का, ओके। तो इस तरह से न के एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल हमने समझ लिए, बाकी सब ऐसे ही होता है। उसके बाद है ठक। तो ठक का कैसे करेंगे, देखो ठक प्रत्यय आपको हो चुका है, ओके, और ठक प्रत्यय पर हमने वीडियो भी बनाए है, मतुक पर भी बनाए, ओके, तौतु पर भी बनाए और शायद शत्रु पर बनाए है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ओके। तो ठक प्रत्यय का हम देख लेते, तो आपको कैसे आएगा, तो इस तरह से आएगा, देखिए, तो सामाजिक प्लस ठक, सॉरी सामाजिक प्लस गिप, इस तरह से आपको एग्जाम्पल आएगा एग्जाम में। तो सामाजिक प्लस गिप, तो सिंपल सेम है जैसे अभी तक हमने किया है उसी तरह से। तो क्या करना है आपको, सामाजिक प्लस ई, ओके, और बाद में से जोड़ देंगे अभी। अभी यहाँ एक गड़बड़ है, क में तो अ है, ओके, और अ के सामने ई है, तो अभी क्या करें, ऐसा आपके मन में डाउट होगा। तो उसके लिए एक सामान्य नियम है, एक आसान रूल क्या है, यदि गिप प्रत्यय आप यदि लगा रहे हो, ओके, गिप प्रत्यय यदि आप लगा रहे हो और गिप के पहले यदि अ है, सिर्फ अ की बात कर रहे हैं हम, गिप के पहले यदि अ है तो उस अ को क्या करना है, डिलीट करना है, उसका लोप करना है, उसे हटाना है। तो क्या होगा फिर यहां, ओके, सामाजिक क अनंत बन जाएगा, ओके, अ हट गया, ओके, समझ में आया। तो क प्लस ई की, तो क्या बन जाएगा, सामाजिकी, सिंपल। इसी तरह से आपको ठक के उदाहरण समझ लेना है, सेम नियम है। लास्ट में मैं और कुछ शब्द बताने वाला हूँ कि जो इनमें नहीं आते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम में आपको क्या आता है, सिर्फ सामाजिक प्लस गिप, आपको ये देखना नहीं कि वो ठक है या नहीं है, उसकी आपको फिलहाल जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसे जोड़ना आना जरूरी है, वो कैसे करते हैं वो समझ में आना जरूरी, वो तो मैंने समझा दिया है। न प्लस गिप, तो इसका क्या बन जाएगा, अभी ये किसी में नहीं आता है, ओके, ये अलग है। तो नद प्लस गिप आपको एग्जाम में ऐसे आएगा, ओके, नद प्लस गिप, तो आपको सिर्फ उसे जोड़ना है, ओके, तो क्या बन जाएगा, नदी, ओके, अभी मैंने डायरेक्टली कर दिया क्योंकि गिप में ई है और वो जोड़ देंगे नदी, और द में अ है, वो हट जाएगा हमारे अभी जो नियम बताया, यदि गिप के पहले यदि अ रहेगा तो उसे हटाना है, तो नदी बन गया। उसी तरह से देखो कुमार, कुमार प्लस गिप, तो इसका क्या बन जाएगा, कुमार प्लस गिप, कुमारी, ओके, कुमारी। उसके बाद ओके, उसके बाद देव प्लस गिप, देव प्लस गिप क्या बन जाएगा, देवी, ओके, आपको एग्जाम में इसी तरह से आएगा। तो अभी हमने गिप प्रत्यय से शब्द कैसे बनाते हैं, मतलब स्त्रीलिंग के शब्द कैसे बनाते हैं वो समझ लिया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में उसके कैसे एग्जाम्पल आते हैं। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो हमने यहाँ तीन एग्जाम्पल दिए हैं, तीन क्वेश्चन दिए हैं, तो देख लिए कैसे करते हैं उसे। विवाह डैश डैश विवाह स्व सखीम अमिलत, मतलब विवाह नाम की लड़की है वो अपने दोस्त को मिली, मगर कैसी विवाह, हस, हस जाता मतलब हंसना, हंसती हुई विवाह अपने दोस्त को मिली। तो इन तीनों में से कौन सा सही है, हंसती सही है, ओके, नहीं है, हसंती, ये सही है। तो क्यों सही है वो भी हम देख लेते हैं। अभी देखो एग्जाम में आपको इसी तरह से आएगा, तो आपको ध्यान में रखना है, विवाह हस्ती हुई विवाह, तो विवाह ये हुआ विशेष्य और उसका विशेषण मतलब एडजेक्टिव क्या है, इनमें से कोई एक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, विवाह प्रथम विभक्ति एक वचन बालिका विवाह, तो उस तरह से यहाँ कौन है, हसंती है, अभी हसंतिम ये तो द्वितीय विभक्ति है,
हसती ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो नियम क्या है कि जब भी आप शत्रु प्रत्यय के रूप को गिंप लगाओगे तो आपको न ऐड करना है। अब यहाँ उन्होंने ऐड किया है मगर वो द्वितीय विभक्ति में दिया है, तो इसलिए यही सही है ये गलत है। यदि यहाँ न होता तो ये दोनों भी सही होते, मगर ऐसा नहीं होता, एग्जाम में एक ही सही होता बाकी सब गलत होते हैं। तो इस तरह से यहाँ असंति में आएगा, ओके ये सही है। उसके बाद एषा मम पुत्री क्रीडति, आपको इस तरह से भी आता है, तो इसमें आपको प्रत्यय पहचानना है। उसके लिए आपको तीन ऑप्शन दिए, तो देख लेते पुत्री प्लस ई, ये सही है, मतलब पुत्री में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। तो पुत्री प्लस ई सही है, नहीं है। पुत्र प्लस ई नहीं है, पुत्र प्लस गिप, क्योंकि गिप प्रत्यय है ना, तो हमेशा ध्यान में रखना आपको मूल प्रत्यय बताना है, गिप ये नहीं बताना है, पुत्र प्लस गिप प हलंत है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी आपको ऐसे भी आता है, ये ध्यान में रखना है, ऐसे भी आएगा तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, अरे दोनों में तो सही दिख रहा है, दोनों तो सही दिख रहे हैं, नहीं यहाँ पहलंत है और यहाँ नहीं है, तो आपको ऐसे भी आता है, तो पुत्र प्लस गिप ये सही है। उसके बाद सह कुमार प्लस गिप पश्यति, ओके तो आपको यहाँ कुमार प्लस गिप दिया है, आपको उसका सही शब्द यहाँ बताना कि यहाँ कौन सा हो सकता है। तो उसके पहले हम मीनिंग पहले समझ लेते हैं, क्योंकि मीनिंग भी जानना बहुत जरूरी होता है। यदि मीनिंग समझ में आता है तो आपकी गलतियां नहीं हो सकती है। सह कुमार प्लस गिप पश्यति, मतलब वह कुमारी को देखता है, कुमारी मतलब कन्या, तो वह कुमारी को देखता है, वह लड़की को देखता है, तो लड़की को देखता है, तो यहाँ को मतलब द्वितीय विभक्ति है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है, ओके। कभी कभी उसकी भी हमें जरूरत पड़ने वाली है, हर जगह पर उसकी जरूरत पड़ेगी ऐसे नहीं, मगर ज्यादातर हमें विभक्तियों की जरूरत पड़ती है। तो क्योंकि देखिए अभी यहाँ या कुमारी, क्योंकि वह कुमारी को देखता है, मतलब वहां द्वितीय विभक्ति आना चाहिए, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति वाला कौन सा है, बस यही है कुमारी, कुमारी ये सिर्फ प्रथम विभक्ति एक क्वेश्चन है, या प्रथम विभक्ति एक क्वेश्चन लिखना सही नहीं है, ओके। यहाँ भी इन्होंने कुमारिम लिखा है, मगर गलती कहाँ है, यहाँ छोटी ही है और यहाँ बड़ी है, जब हम गिंप लगाते हैं तो बड़ी ही बन जाती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ हमने विभक्ति के हिसाब से कुमारिम लिया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, वह कुमारी को देखता है, तो ऐसे आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। तो आज इस तरह से हमने गिंप प्रत्यय समझ लिया है, धन्यवाद।